पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में शुक्रवार को 15वें अश्विनी गुप्ता मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस टूर्नामेंट में करीब 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि यह टूर्नामेंट अश्विनी गुप्ता की याद में पिछले 15 सालों से करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अश्विनी गुप्ता खुद नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिनकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के टूर्नामेंट करवाने का मकसद है कि युवा नशे से दूर रहे और युवा खेलों में समय दे ताकि युवाओं में अनुशासन और खेल की भावना बने। उन्होंने बताया कि अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप, बैडमिंटन टूर्नामेंट व कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जाता है, साथ ही जिला के बेस्ट खिलाड़ियों को नगद राशि देकर सम्मानित भी किया जाता है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में आयोजित हुए इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हालांकि यह टूर्नामेंट पिछले साल कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया था, उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कहा कि सभी खिलाड़ी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए टूर्नामेंट को सफल बनाए। उन्होंने बताया कि इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन 4 अप्रैल को होगा और समापन अवसर पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ये जो अश्विनी गुप्ता मेमोरियल टूर्नामेंट है 15वां आज शुरू हुआ है। ये टूर्नामेंट अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पिछले 15 साल से लगातार करवाया जा रहा है। ये अश्विनी गुप्ता की यादगार में, जो खुद एक नेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर थे, हमने शुरू किया था और मकसद एक ही था कि युवा खेलों के अंदर अपना ध्यान दें और उनके अंदर अनुशासन, उनके अंदर खेल की भावना और नशा जो है उससे युवा जो है वो दूर रहे। इस प्रकार की धारणा को लेकर के ये ट्रस्ट बनाया गया था और इस ट्रस्ट के द्वारा हर साल 4 इवेंट जो हैं लगातार हम करवाते आ रहे हैं। अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप है 11 अप्रैल को होने जा रहा है, हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं। इसके अलावा कबड्डी टूर्नामेंट है और फिर एक जो हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको हम अवार्ड देते हैं। लगभग 5 लाख रुपए के इनाम उनको हर साल अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिए जाते हैं। इस दृष्टि से आज ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है इसके अंदर लगभग 125 जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं। हालांकि कोविड का समय है, इस कोविड के समय के अंदर भी मैंने सभी जो प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं, उनसे अपील की है कि वो कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करें। समापन कितनी तारीख को और चीफ गेस्ट कौन आने वाले? 4 तारीख को इस टूर्नामेंट का समापन होगा, 4 तारीख को साय 5 बजे, और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे और उस दिन हम सभी जो खिलाड़ी हैं, जो विनर हैं, रनर अप हैं, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।